राधे राधे फ्रेंड्स, आज सभी देखो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम जी सभी को। और ये सुबह की चाय के साथ हमारी स्टार्ट हो चुका है ब्लॉग। तो ये है मंडे का ब्लॉग मॉर्निंग का। तो काफ़ी सारी सर्दी हो रही थी तो मैंने सबसे पहले चाय बनाई। आज बच्चों की थी छुट्टी, उनका था एग्ज़ाम, तो एक बीच में थी छुट्टी तो बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो भाई सबसे पहले तो अपनी चाय बनाई जाए, उसके बाद कुछ किया जाए। तो चाय बन चुकी है और हमने सॉक्स और टोपा वगैरह सब कुछ लगा लिया है, क्योंकि फर्श इतना ठंडा होता है कि साफ़ सफाई करने में एकदम पैर ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल ठंडे। तो फिर मैंने सोचा चलो चाय पी ली है हमने और अब हम अपने आ गए हैं रूम में। तो रूम में कर रहे हैं क्योंकि बच्चे एक दिन पहले गए हुए थे शादी में, तो उनके सारे कपड़े सोफे पर डले हुए थे तो वो संभाल के रखे अलमारी में। उसके बाद मैंने सब्जी जो लेके आई थी शाम की टाइम, तो वो सब्जी संभाल के रखी थी। तो ये आप देख सकते हैं सब्जी मेरी संभाल दी है मैंने, मतलब अच्छे से, क्योंकि सब्जी लेके आओ तो ऐसा लगता है कि संभाल के ही रख दो। तो ये देखिए मैंने सब्जी भी संभाल चुकी हूँ, उसके बाद मैंने अपनी अलमारी भी संभाल ली है बच्चों वाली, उसके बाद मैंने सभी पूरा ये वो कर लिया है। उसके बाद लगा रही हूँ अपने कमरे में झाड़ू। तो झाड़ू भी लगाते टाइम इतना कचड़ा निकलता है क्योंकि सर्दियों का दिन है, मूँगफली भी लेके आते हैं तो मूँगफली का कचड़ा बहुत हो जाता है और मूँगफली के छिलके इधर उधर हो जाए तो हमारे खुशहाल कृष्णा मूँगफली इधर का उधर फेंक देते हैं तो उससे हो जाते हैं चूहे। तो बड़े सावधानी से हमें झाड़ू लगाना पड़ता है कि एक तो मूँगफली ना रह जाए, उससे काफ़ी सारे चूहे हो जाते हैं। तो कचड़ा भी बहुत निकला था। उसके बाद मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है और ये देखिए आप मुझे देख कर ही लगा सकते हैं अंदाज़ा कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को तो भाई सर्दी बहुत मतलब होती है तो मैं टोपा और सॉक्स मेरे उतरते नहीं हैं, उसके बाद ही काम स्टार्ट करती हूँ सॉक्स वगैरह पहन के। तो ये देखिए मेरा झाड़ू लग चुका है, उसके बाद मैं झाड़ू लगा के ये मेरा सारा काम हो जाता है ना, उसके बाद मैं फटाफट से नहा के और फिर नहाने के बाद मैं अपना किचन का काम स्टार्ट कर देती हूँ, पूजा वगैरह करके। भगवान का भोग वगैरह लगाना होता है तो सारा काम जो साफ़ सफाई का है नहाने से पहले कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ मंदिर पूजा करने अपने साफ़ सफाई करके, तो काफ़ी सारा काम हो जाता है। ये देखिए मेरे बच्चे ये उठे थे बच्चे वगैरह, तो उसके बाद मैंने ये अपना बेड भी फटकार लिया है और फटकारने से मैंने बेड शीट चेंज की थी तो बेड शीट मैंने बिछाई नहीं थी बेड के ऊपर। मैंने कि चलो झाड़ू लगा के उसके बाद ही बेड शीट बेड के ऊपर बिछाऊंगी, तो अब मैं इसे बिछा रही हूँ क्योंकि काफ़ी गंदी हो जाती है ना, एक ही दिन में गंदी हो जाती है क्योंकि बच्चे वगैरह बैठ के ऊपर ही बैठते हैं, सब कुछ जो खाना पीना होता है तो छोटे छोटे बच्चे हैं खुशहाल कृष्णा तो वो सारी चीज़ें फैला देते हैं। तो इस वजह से बेड शीट चेंज की थी और जब नहाऊंगी तो सारे कपड़े धो के आऊंगी, साथ के साथ नहाते टाइम ही मैं अपने सारे कपड़े धो देती हूँ जो भी धोने वाले होते हैं। और जब ज़्यादा बेड शीट एक दो बेड शीट होती हैं या ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो वॉशिंग मशीन लगा लेती हैं, वैसे सर्दियों में तो ज़्यादातर वॉशिंग मशीन ही लगा लेते हैं लेकिन ऐसा लगता है नहाते टाइम एक दो जो कपड़े होते हैं उन्हें साथ के साथ ही धो के डाल देते हैं। और ये देखिए बेड शीट हमने बिछा दी है और उसके बाद मैं ये फ्लो कवर चढ़ा दूँगी इनके ऊपर, तो मेरा काम ये सारा हो मतलब पूरा हो जाएगा। उसके बाद बच्चे पेस्ट वेस्ट करने के लिए गए हुए हैं, उसके बाद उनको दूंगी दूध। तो मैंने कि चलो बच्चे वगैरह आ जाएंगे उसके बाद ही, ये देखिए बच्चों के लिए दूध गर्म कर दिया है। तो बच्चों को दूध दे के उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी नाश्ता वगैरह जब भी करते हैं थोड़ी देर सबसे पहले तो दूध ही पीते हैं। तो दूध दे के मैं चली